हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। होपफुली आपकी वैकेशंस काफ़ी अच्छी रही होंगी और इतना हमें विश्वास है कि आपने वैकेशंस में तो बुक्स के हाथ भी नहीं लगाया होगा। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से। हमारा जो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर था, हेलोएल्केन एंड हेलोरिन, वो कम्प्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा, इसका नाम क्या है, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। हमारे पास 11th यूनिट है हमारे पास ये केमिस्ट्री की, तो आपने पढ़ा भी हुआ है। एल्कोहल में क्या बोलते हैं हम, जिसमें लास्ट में क्या लगा होता है आपके पास, OH ग्रुप। तो हमारे पास सिंपली हमने क्या बोल दिया, कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर OH ग्रुप। हमारे पास एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी, कहाँ अटैच हो, अटैच टू एल्काइल ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली एल्कोहल्स बोलते हैं। हमारे पास ये कई तरह के हो सकते हैं, मोनोहाइड्रिक ग्रुप हमारे पास, या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इसको हम बोल सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इसको आप बोल सकते हैं। हमारे पास इसका मतलब क्या है, हमारे पास जहाँ पे क्या आएगा, खाली एक OH लगाओ, हमारे पास CH3OH, CH3CH2OH, हमारे पास मतलब सिंपली सब में क्या है, एक एक OH लगा हुआ है। तो नेमिंग करनी आपको बहुत सिंपल से आती है, एक कार्बन तो मिथेनॉल हो गया, हमारे पास दो हैं तो क्या हो गया, इथेनॉल। यहाँ तीन हैं डबल बॉन्ड में रखा है, तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी स्टार्ट। हमारे पास नंबरिंग हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 हमारे पास, तो क्या आएगा, 1 2 3 करते तो क्या हो गया, प्रोप। दो पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, और हमारे पास एक पे क्या लगा हुआ है, बोलते। ये सिंपल आप चीज़ें सारी कर सकते हो। जो हमारे पास सेकंड है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें हमारे पास क्या होंगे, दो एच आएंगे, CH2OH, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली दो कार्बन तो इथेन, 1 2 डाइओल बोल दिया। कॉमन नेम क्या होता है इसका, इथाइलिन ग्लाइकोल, जो हम पॉलीमर्स में यूज़ कर भी चुके हैं हमारे पास। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन हमारे पास कि पॉलीमर हमने कहाँ पे यूज़ किया था, कौन से पॉलीमर के हमारे पास ये मोनोमर के फॉर्म में आया था इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हमारे पास, इसमें तीन आ जाएंगे हमारे पास, तो पहले तीन OH लगा दिए। IUPAC नेम क्या आएगा, 1 2 3 तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोपेन, 1 2 3 ट्राईओल हमारे पास, और कॉमन नेम क्या होता है इसका, ग्लिसरॉल बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये वाले भी होते हैं। जैसे हमारे पास सी, यहाँ पे दो एच लगे हैं तो मैंने प्राइमरी बोल दिया, यहाँ एक एच लगा हुआ है मैंने क्या बोल दिया इसको, सेकेंडरी बोल दिया, यहाँ एक भी एच नहीं लगा हुआ है इसको मैंने क्या बोल दिया, टर्शरी, क्योंकि नाम सिंपल एनिथेनॉल हमारे पास, यहाँ सेकंड पोजीशन लगा इसको हमने क्या बोल दिया, आइसो ग्रुप लगा दिया, आइसो प्रोपाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, या इसके हम IUPAC नेमिंग भी कर सकते हैं। अब हमें मेन इसमें स्टडी करना है आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपके पास एल्डिहाइड कीटोन, वहाँ हमारे पास एज इट इज ये चीज़ें काम आने वाली हैं। तो फर्स्ट हमारे पास हमें किससे बनाना है, एल्कीन से। एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे, एल्कीन में हमारे पास इन्होंने क्या बोल दिया, बाय द एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मतलब हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। हमें एल्कीन में वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो सिंपल सी बात सबको ध्यान रखनी है, हमें क्या करना है, कोई भी एल्कीन लेना है उसमें हमें क्या करना है, वाटर का एडिशन करना है आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखिए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जो हाइड्रेशन हमारे पास होगा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कहाँ से होगा, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, आपको याद भी होगा, भूले नहीं होंगे। हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास ये एल्कीन दे रखी है, वाटर का एडिशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल हमारे पास क्या होता है, एच वहाँ पे जाएगा जहाँ पे एच पहले ही ज्यादा है, तो यहाँ पे एच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3, और यहाँ क्या लग जाएगा, OH। प्रोपीन से हमने क्या बना दिया, प्रोपेन 12, इनको हम कन्वर्जन्स में भी यूज कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म अगर देखना चाहो तो हमारे पास कैसे हुआ है, बाकी हमारे पास कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है चीज, वाटर था हमारे पास, वाटर का हमने एडिशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड से हमारे पास क्या आ गया, एच प्लस। देखो कहाँ से आया, H2SO4 था, एच प्लस, H2SO4 में जाएगा, तो हमने ये एच प्लस यूज किया साथ में वाटर के, तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन, H3O+ आयन आ गया। अब जो एल्कीन थी उस पर हमने क्या डाल दिया, H3O+ का अटैक करवाया हमारे पास हाइड्रोनियम आयन का, तो हमारे पास यहाँ से चीज़ें क्या होंगी, ये यहाँ से H निकालेगा। अब इस H की दो प्रोबेबिलिटी हमारे पास, ये कहाँ कहाँ पे ऐड हो सकता है, ये H यहाँ पे भी जुड़ सकता है हमारे पास, या फिर हमारे पास यहाँ पे भी जुड़ सकता है। तो पहला केस हमने क्या लिया, इस H को हमने कहाँ पे ऐड किया, कहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ रही है, तो हमने सिंपली इसको कैसे दिखा दिया कि हमारे पास CH3CH2 था, हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, हमारे पास क्या आएगा, CH3CH2 और CH2 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। हमारे पास क्या आ रहा है, यहां से प्राइमरी कार्बोकैटायन, लेकिन हमने अगर इसको एच को कहां जोड़ दिया होता है, यहां पे तो क्या बन जाएगा, CH3, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3, ये CH पे क्या आ जाएगा, प्लस, और यहां क्या आ गया, CH3। आपको साफ दिख रहा है ये प्राइमरी हमारे पास, और ये कैसा है, सेकेंडरी, और सेकेंडरी हमेशा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो हमें क्या पता लग गया, ये स्टेप तो हमें करना नहीं है, हमें इस स्टेप को क्या करना पड़ेगा, यहां पे फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने क्या किया, हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन लिया, उस पर हमने क्या किया, जो वाटर हमारे पास बचा हुआ था उसका एडिशन करवाया, जो हमारे पास यहां से ये वाटर निकला था ना, इसका हमने क्या करवा दिया, वापस से एडिशन। अब यहां पे जो लोन पेयर है कहां पे अटैक करेगा, जहां पे प्लस चार्ज है हमारे पास, तो क्या होगा, यहां पे आके वाटर आपके पास एज इट इज जुड़ जाएगा। अब देखो हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, अब जो हमारे पास
HSO4 ये बचा हुआ था, इसका हमने H यूज कर लिया था, तो HSO4 क्या है, अपना वापिस से H लेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना एक H निकालेगा हमारे पास ये, तो इसने क्या कर दिया, HSO4 ने अपना एक H वापिस निकाल लिया और हमारे पास वापिस से क्या बन गया H2SO4, और यहाँ क्या बच गया खाली OH, तो हमारे पास क्या आ गया सेकेंडरी एल्कोहल हमारे पास। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ध्यान रहे तो आप कर सकते हैं, बाकी हमारे पास हमें सिंपल बस मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, एल्कीन का हमें क्या करवाना है, हाइड्रेशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा एल्कोहल आएगा। और रूल क्या फॉलो करना है आपको, मार्कोनिक रूल फॉलो करते हुए चलना है। सेकेंड मेथड हमारे पास देखिए, ये हम करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, हमारे पास मैंने बताया था कोई चैप्टर हमारे पास एज इट इज काम आएगा कहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास। तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड में हम क्या करते हैं, इसके ग्रुप की बात करते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास जहाँ पे CO, ये हमारे पास अगर मैंने यहाँ पे R लगा दिया और यहाँ H लगा दिया क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, दोनों साइड RR ग्रुप लगा दिए क्या बन जाएगा कीटोन। तो कहीं भी एल्डिहाइड कीटोन दे रखा हो वहां से मैं एल्कोहल बना सकता हूँ, कैसे, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। हमारे पास H2 का एडिशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेडियम या प्लेटिनम, या मैंने क्या डाल दिया LiLH4, जो हमारे पास क्या होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या हमने क्या डाल दिया NaBH4, जो क्या होता है इससे थोड़ा कंपेरेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इन तीनों की हेल्प से हमारे पास हम कभी भी किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको एल्कोहल में। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास फर्स्ट रखा है CH3CHO, हमारे पास क्या है सिंपली ये, इसको मैं इथेनॉल बोल सकता हूँ या एसिटाल्डिहाइड बोल सकता हूँ। इसका मैंने एडिशन ऑफ H2 किया, किसमें LiLH4 डाल दिया, या मैंने क्या डाल दिया NaBH4। तो कुछ भी नहीं करना आपको, इसको ऐसे समझना है जैसे हमारे पास ये केस दे रखा है CH3C OH, मैंने इसमें H2 का एडिशन करना है, मैंने हमारे पास यहाँ पे ये लिखा मिल गया LiAlH4 में लिखा मिल गया आपके पास, तो मुझे क्या करना है एडिशन ऑफ H2, दो H जोड़ने, एक आप लगाओ HO के साथ, एक लगाओ हमारे पास इस C के साथ, बस कुछ नहीं करना, CH3 सेम रहेगा, ये C हमारे पास सेम है, एक H इसमें पहले ही था, एक मेरे को और लगाना है, कितने हो जाएंगे CH2, एक कहां लग जाएगा OH के साथ, हमारे पास क्या बन जाएगा CH3CH2OH, हमारे पास क्या हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर हमने क्या लगा दिया एसीटोन ले लिया CH3COCH3, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोपेन टोन, वही सेम H डाल दिया LiLH4 डाल दो, H2 निकल डाल दो, PDPT कुछ भी डाल दो, हमारे पास वही हमारे पास H लगाना है, एक H यहाँ लगाओगे एक H यहाँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा CH3CHOH और CH3 हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। तो हमें मेन बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी, जो हमारे कन्वर्जन में काम आएगी ये वाली बात, कि एल्डिहाइड हमेशा क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, कीटोन से हमें क्या मिलेगा हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल। जो थर्ड मेथड हमारे पास है वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या होता है RMGX, तो आपको पता है MG हमारे पास मेटल, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव। तो मेरे पास कोई भी कार्बन ग्रुप दे रखा हो, मान लो मेरे पास ये आ गया CO ग्रुप दे रखा है, मैंने इसमें क्या जोड़ दिया RMGX, इसको समझिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ प्लस आया, यहाँ क्या आएगा माइनस, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस, अब प्लस कहाँ जाएगा माइनस के पास, ये माइनस कहाँ जाएगा प्लस के पास, ये कुछ ऐसे अरेंज करेगा अपने आप को, ये सेम ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ O के साथ कौन लग गया आगे, O के साथ लग गया MgX, और हमारे पास C के साथ कौन लग गया R, फिर हम इसमें क्या करते हैं वाटर डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो हमारे पास वाटर में क्या निकलेगा H और OH, तो हमारे पास जो OH है वो तो ले जाएगा ये पार्ट, और H कौन ले जाएगा ये, तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ से, ये सेम रहेगा, यहाँ R है हमारे पास और O के साथ कौन लग जाएगा H, तो हमारे पास ये बन गया कोई एल्कोहल, साथ में हमारे पास MgOHX हमारे पास क्लियरली निकल जाएगा। तो सेम हमारे पास यही मैकेनिज्म है, ये फॉलो करते हुए चलना है आपके पास यहाँ पे, तो हमारे पास RMGX जोड़ते हुए चलेंगे, एडिशन रोड बनाएंगे, हमारे पास लास्ट में क्या बन जाएगा एल्कोहल। आप इसका कोई भी एग्जांपल देख लो, मेरे पास HCH हमारे पास दिया हुआ था, CH3MgBr ऐड कर दिया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा वही प्लस माइनस लगाने हैं, HH सेम रहेंगे, यहाँ लग जाएगा CH3, O के साथ क्या लग जाएगा MgBr, वोटर डाल दिया इन द H+ हमारे पास, तो क्या हो जाएगा सेम यहाँ एल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा हमारे पास ये MgOHBr। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बनेगा इसका आप IUPAC नेम कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएं। तो यहाँ तक आपको करना है हमारे पास ये। टिल स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।